Very good morning, students. Hope you will be fine at your home. So, students, today is your English second class. Okay, take out your book of English second, Grammar Twins. देखिए, ये वाली book सारे बच्चे जल्दी से निकाल लीजिए and open page number 11 and chapter number 3. That name is noun. Okay, open करिए सारे बच्चे. ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, नाउन क्या है? एक संज्ञा है. अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स को हम क्या कहते हैं? नाउन. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा किसी भी जगह के नाम को हम संज्ञा बुलाते हैं. ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग. लुक एट द पिक्चर एंड रीड दियर नेम्स. ये देखिए, सारे बच्चे देख रहे हैं ना? बॉय, नेम ऑफ अ पर्सन, विलेज, नेम ऑफ अ प्लेस, बियर, नेम ऑफ अ एनिमल, बैग, नेम ऑफ अ थिंग. ओके, सो A noun is a name of a person, place or thing. A noun is a name of a person, place or things. ठीक है? Read the following nouns and circle the number of people in blue, place in black, animals in green and things in red. See, ठीक है, आपके पास क्या होने चाहिए? Crayons होने चाहिए, means color होने चाहिए. इसमें आपको क्या करना है? Read the following nouns and circle the name of people in blue, place in black, animal in green and things in red. ठीक है? तो नेम ऑफ पीपल, जैसे किसी लोगों के नाम है, उनको क्या करना है? आपको ब्लू क्रेयन से करना है कलर. और प्लेसेस मींस जो स्थानों के नाम है उनको ब्लैक से करना है. जानवरों के नाम जो है उनको ग्रीन से करना है. एंड जो चीजें हैं उनको रेड से करना है. ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ आपको करना है. सो स्कूल क्या है? एक क्या है? जानवर है? नहीं. क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है? नहीं ना. ये क्या है? एक प्लेस है. सो स्कूल क्या है? प्लेस है. प्लेस को किसे करना है? ब्लैक से. सो स्कूल को आप ब्लैक से करेंगे. ओके, फिर टीचर. टीचर क्या है? पीपल है, तो उसको मींस व्यक्ति है, उसको क्या करना है? ब्लू से करना है. फिर कैप एक थिंग है. ठीक है, थिंग है, इसको रेड से करना है. फिर टेलर क्या है? एक व्यक्ति है, इसको ब्लू से करना है. फिर ट्री क्या है? ट्री भी एक थिंग है, इसको रेड से करना है. हॉस्पिटल एक प्लेस है. ओके, इसको ब्लैक से करेंगे. विलेज भी एक प्लेस है, इसको ब्लैक से करेंगे. पोस्टमैन एक व्यक्ति है. ठीक है, इसको क्या? ब्लू से करेंगे. दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्लेस है, इसको भी ब्लैक से करेंगे. एप्पल, एप्पल एक थिंग है, इसको भी रेड से करेंगे. काउ इज अ एनिमल, तो काउ को ग्रीन से करेंगे. ठीक है, विराट व्यक्ति है, लड़का है, बॉय है, तो उसको हम ब्लू से करेंगे. नीस, नीस मींस होता है भतीजा भांजा, उसको भी हम किससे करेंगे? ब्लू से करेंगे. बियर मींस होता है बियर, बियर. जैकॉल इज, ये भी क्या है? एक एनिमल्स है, इनको भी हम क्या करेंगे? एनिमल्स को भी हम ग्रीन से करेंगे. ग्लास एक थिंग है, ठीक है, इसको हम रेड से करेंगे. आंट मींस, आंट मींस चाची. ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? आंट एक व्यक्ति है, तो इसको हम ब्लू से करेंगे. फुटबॉल एक थिंग है, इसको हम थिंग को क्या? रेड से करेंगे. रेडियो एक थिंग है, इसको भी हम रेड से करेंगे. ग्रैंडफादर मींस दादाजी, इसको भी हम क्या करेंगे? ब्लू से करेंगे. ठीक है, रीड द फॉलोइंग नाउन्स एंड सर्कल द नेम्स ऑफ पीपल इन ब्लू, प्लेस इन ब्लैक, एनिमल्स इन ग्रीन एंड थिंग्स इन रेड. ठीक है, समझ में आया है ना सबको? ओके, नेक्स्ट पेज. अब हम
पढ़ते हैं। देखिए हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, ओके, और अब हम आते हैं कॉमन नाउन पे। कॉमन नाउन आर द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स और द सेम काइंड। कॉमन नाउन मीन्स वैसे नाउन जो क्या व्यक्ति, स्थान, जानवरों और थिंग्स को सेम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि जानवर कॉमन नाउन, लोग कॉमन नाउन, जगह कॉमन नाउन, किसी चीज का जहां प्रॉपर नाम ना हो के, जैसे स्कूल्स, ठीक है, इसको हम रखते हैं कॉमन नाउन में, बट हमारी एकेडमी पीएमडी एकेडमी, इसको हम रखेंगे प्रॉपर नाउन में, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। तो कॉमन नाउन जिसमें हम कॉमनली चीजों को लेते हैं, जैसे स्कूल, किसी भी स्थान को, जानवरों को और चीजों को। अब आते हैं हम प्रॉपर नाउन पर। प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इन पर्टिकुलर, ठीक है, जिस स्थान, व्यक्ति या जानवर का पर्टिकुलर एक नाम हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, समझ में आया। कॉमन नाउन जैसे कि लोग कॉमन नाउन, जगह कॉमन नाउन, जानवर कॉमन नाउन, चीजें कॉमन नाउन, स्कूल कॉमन नाउन, पीएमडी एकेडमी प्रॉपर नाउन, किसी बच्चे का नाम, मेरा खुद का नाम प्रॉपर नाउन, ठीक है, ऐसी चीजें। हिरन तो प्रॉपर नाउन, ठीक है, जानवर तो कॉमन नाउन, डिफरेंट है, मींस जिसका हम पर्टिकुलर एक नाम देते हैं उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंस प्रॉपर नाउन एग्जांपल्स आर कंपेयर्ड विद कॉमन नाउन। नोटिस दैट द प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिक एंड यूनिक, विल द कॉमन नाउन्स आर मच मोर जनरल इन नेचर, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल एंड कंपेयर कर रहे हैं, किसके, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स को दोनों कंपेयर कर रहे हैं। नोटिस दैट द प्रॉपर नाउन्स आर स्पेसिफिक एंड यूनिक, आपको क्या एक नोटिस मीन्स पे ध्यान देना है कि जो प्रॉपर नाउन है हमारा वो स्पेसिफिक है एंड यूनिक है, ठीक है, उसमें पर्टिकुलर किस हर जगह को, जगह, व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रॉपर पर्टिकुलर नाम दिया गया है। विल द कॉमन नाउन्स आर मच मोर जनरल इन नेचर, जो कॉमन नाउन है जैसे कॉमन नाउन आर मच मोर जनरल इन नेचर, वो जैसे जनरली हम यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्कूल्स, जगह, ठीक है, ऐसी चीजें। जैसे देखिए कॉमन नाउन, आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, राइटर्स तो बहुत सारे होते हैं ना, आई वॉन्ट टू बी अ राइटर, मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। अब प्रॉपर नाउन देखिए, आगता चिट्टी वॉज रोट मैनी बुक्स, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी राइटर का नाम होना एक प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, आई वुड लाइक टू अडॉप्ट अ कैट, मुझे पसंद है क्या, आई वुड लाइक टू अडॉप्ट अ कैट मीन्स मुझे क्या है, बिल्लियों को अडॉप्ट करना, लेना पसंद है, लेकिन उस बिल्ली का प्रॉपरली नाम, प्रॉपर नाउन टिम्सी इज द क्यूटेस्ट किटन एवर, ठीक है, टिम्सी जो है वो क्यूटेस्ट मतलब बहुत ही प्यारी किटन है, ठीक है, तो टिम्सी मीन्स प्रॉपर, उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। कॉमन नाउन, लेट अस गो टू द सिटी, चलो हम चलते हैं कहाँ पे, सिटी मीन्स सिटी, अब कौन सी सिटी ये नहीं पता, तो हम सिटी जा रहे हैं तो कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन, लेट अस गो टू सैन फ्रांसिस्को, हम कहाँ जाएंगे, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को क्या है, एक सिटी का, एक जगह का, एक सिटी का, एक शहर का प्रॉपर नाम है, ठीक है। कॉमन नाउन, माई टीचर स्टार्ट्स वर्क बिफोर सन, माई टीचर स्टार्ट्स वर्क बिफोर सन, मेरी जो मैम है, मेरी जो अध्यापक है, मेरी जो टीचर है, वो सूर्य उदय के पहले से ही काम कर रही हैं। प्रॉपर नाउन, मिस्टर सिंह सीम्स टू अंडरस्टैंड वॉट स्टूडेंट नीड, मिस्टर सिंह ये समझते हैं कि स्टूडेंट्स एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, मीन्स उनको किस चीज़ में वो अंडरस्टैंड होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर का प्रॉपर नाम दिया गया है। कॉमन नाउन, आई थिंक दैट इज अ प्लैनेट नॉट अ स्टार, कॉमन नाउन, आई थिंक दैट इज अ प्लैनेट मीन्स, प्लैनेट मीन्स ग्रह, ठीक है, नॉट अ स्टार मीन्स तारा, तो ये कॉमन नाउन के प्लैनेट्स, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लैनेट का कोई प्रॉपरली नाम तो दिया नहीं गया, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन, आई कैन सी जुपिटर टुनाइट, मैंने क्या जुपिटर देखा
आज की रात मैंने जुपिटर देखा, क्योंकि यहाँ प्लैनेट्स का प्लैनेट का एक प्रॉपर नाम दिया गया है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, राइट सी फॉर कॉमन नाउन एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन। सो स्कूल कॉमन नाउन, इंडिया गेट प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन, बुक कॉमन नाउन, सुजल प्रॉपर नाउन, मार्केट कॉमन नाउन। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद कॉमन नाउन्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। ठीक है, अ पर्सन हु फ्लाइज अ प्लेन इज कॉल्ड अ पायलट। द थिंग्स दैट टेल अस टाइम इज कॉल्ड अ, मीन्स वो ऐसी चीज जो हमें टाइम बताती है उसे हम क्या कहते हैं, क्लॉक, घड़ी कहते हैं। अ पर्सन हु फ्लाइज अ प्लेन इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो प्लेन को फ्लाई करता है, मीन्स प्लेन उड़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, पायलट। द प्लेस वर वी लिव इज कॉल्ड अ, जहाँ वो ऐसी जगह जहाँ हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, घर कहते हैं। द प्लेस वेयर वी प्ले इज कॉल्ड अप, ऐसी जगह जहाँ हम क्या करते हैं, खेलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्क। द प्लेस वेयर बर्ड्स ले देयर एग्स इज अ कॉल्ड अ नेस्ट, मीन्स वो ऐसी जगह जहाँ पर जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो अपने बच्चे को, मीन्स अपना एग छोड़ती हैं, ठीक है, अपने बच्चों को जन्म देती हैं, उसे क्या कहते हैं, नेस्ट, मीन्स घोंसला। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन इन द सब्जेक्ट गिवन बिलो, माई नेम इज अभिजीत, तो अभिजीत इज अ प्रॉपर नाउन। आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, ठीक है, तो यहाँ पे आगरा एंड ताज महल दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, दोनों प्रॉपर नाउन है। मान इज प्लेइंग अ काइट, मान क्या है, प्रॉपर नाउन है। जॉन लाइक्स हॉर्स राइडिंग, जॉन को क्या पसंद है, हॉर्स राइडिंग पसंद है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो प्रॉपर नाउन क्या है, सन। ओके, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है होती है तो आप मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस।